मैंने एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं बनाई है सच। मैं घर देखने के लिए आया हुआ था, घरों की तलाश अभी तक जारी है, चल रहा है। और सारे कुछ लोग हैं जो थोड़ी गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। दोनों के जो व्हील बेयरिंग है वो रिप्लेस होंगे, बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। कुछ भी नहीं किया गाड़ी ने, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। पुरानी गाड़ी होती है तो आपको पता है कि चीजें निकल निकल के आनी शुरू हो ही जाती है, वो सतभरी में बहुत ज्यादा महंगे पे होगा। दूसरी बात ये कि सेफ्टी का भी मसला हो जाएगा, अल्लाह ना करे गाड़ी रास्ते में जाते जाते अगर बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7:15, अभी अभी फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुआ हूँ। 7:45 हो रही है मिसेस सागर के अंदर जमात, और अजान हो रही है तकरीबन 6:23 पे, 22 मिनट पे समझ लो यहाँ पे। और बस वो उधर ही हूँ मिसेस सागर में, जो रिजियो प्लाजा मैंने दिखाया था तो ये वाली मस्जिद है भाई, ये है नेक्सस। पहले मैंने इंस्टाग्राम पर बताया था काफ़ी लोगों को पूछ रहे थे, तो ये है मुस्लिम नेबरहुड नेक्सस के नाम से मस्जिद है, और ये बिल्कुल रिजवे प्लाजा की बैक साइड के ऊपर ही है, अगर आप गूगल में डालोगे तो मिल जाएगी। तो बस ये अभी फजर की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हुआ, कल आ गया था मैं यहाँ पे। मैंने एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं बनाई है सच, बस थोड़ा बहुत बिजी थे। और दूसरी बात ये कि बीमारी भी चल रही थी घर के अंदर, कभी सैफ की तबीयत खराब है, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब जो है वो आजकल सना की तबीयत खराब है, तो सना जो है वो यहाँ पे आई नहीं है। सना पिछले हफ्ते आई थी, और जब हमने यहाँ रिजवे प्लाजा वगैरह की जो है वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह की थी, डाइन आउट किया था और सब चीज़ें की थी। खैर एनीवे बात ये है कि यहाँ पे मैं घर देखने के लिए आया हुआ था, घरों की तलाश अभी तक जारी है, चल रहा है सीन, गेम चल रहा है। और कुछ मैंने घर देखे, कुछ कॉन्डोज देखे, और आज जो है वो सैटरडे का दिन है, तो आज मुझे आ गया था फ्राइडे की दोपहर को, तो मुझे आज जो है वो समझ लो कुछ टाउन हाउसेस देखने, तो इंशाल्लाह आज वो देखूंगा। रियल्टर के साथ मीटिंग है दोपहर को, फिलहाल फ्री हूँ और बस अभी फिलहाल टाइम गुजारने के लिए देख रहा हूँ कि क्या करूँ, कहाँ घूमूँ, इधर उधर सुबह सुबह का टाइम है। एनीवे तो अल्लाह का शुक्र है कि इस चक्कर में जो है वो ये है कि नमाज हो जाती है, जो कि जमात के साथ होनी चाहिए। और जमात के मतलब एक बात मुझे यहाँ पे सागर में ना बड़ी अच्छी लगी कि जो है ना जमात यहाँ पे फजर की नमाज की मैं अगर बात करूँ तो फजर में मतलब मैंने बहुत कम जगहों पे ऐसा देखा है कि इतना ज़्यादा रश होता है। अच्छा खासा मैंने सिडनी में देखा करता था कि जो हमारे नेबरहुड होते थे लेबनीज वाले, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता था, और वो चीज़ मुझे यहाँ मिसेस सागर के अंदर मिली है, बैंकस्टाउन वाली चीज़। जो मैं अगर सिडनी में जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर चेस्टर हिल वाली या फिर ओबन वाली बात, वो यहाँ मिसेस सागर वगैरह में जो है ना आपको मिलती है। तो बट उसके लिए आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट मार्केट जो है वो ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जो है वो दो दो तीन तीन मिनट की ड्राइव पे, दो दो पाँच पाँच सात आठ मिनट की वॉक के ऊपर स्कूल्स, मस्जिदें, ये वो जिम्स, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, हर तरह की आपको चीज़ जो है वो, कई सौ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो कि 100% हलाल है यहाँ पे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझे ईमेल करके बताया था, कमेंट्स जो है वो 10% ऑफ है। कुछ लोग हैं जो थोड़ी गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो कम्युनिटी खराब होती है। मैंने सोचा इस वक्त ये जो कमेंट वाली बात है ये बता देता हूँ, तो जो लोग कम्युनिटी अच्छी होती है वो हर तरह की जो है ना आपको बात ईमेल करके भी आपको, इवन जो अगर समझाने वाली होती है कंस्ट्रक्टिव, जो जिसको कमेंट्स कहते हैं, तो वो समझाने वाली बात होती है, तो वो आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव कमेंट जो होते हैं वो आपको समझा देते हैं। मगर जो लोग जो है वो सिर्फ आपकी जो है वो पीछे लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ के फैमिली को पर्सनल अटैक करते रहते हैं, 2 साल से एक ही चीज लेके बैठे रहते हैं जब से हम लोग कैनेडा आए, तो वो मतलब बनती नहीं है वो चीज़। तो एनीवे फिलहाल कमेंट 10% ऑफ रहेंगे, कब तक रहेंगे मुझे नहीं पता, बट मोस्टली टाइम रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी अपनी राय से आगाह करना हो, इसी तरह जो मोहम्मद आमिर भाई ने किया था, अगर आप आमिर भाई देख रहे हो मोहम्मद आमिर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये कि जो ये चीज़ें जो होती हैं, हमारे बनाने का मकसद भी यही होता है कि अगर आपसे कोई चीज़ किसी को ना पता हो तो वो उसको सीखने का भी मौका मिले। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टिव कमेंट करने हो तो ashersanavlogs@gmail.com पे जाके कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, अपनी जो भी राय होगी, कंस्ट्रक्टिव कमेंट जो भी होंगे तो वो सर आंखों के ऊपर होंगे। बाकी हेट कमेंट तो यार लोग करते ही रहते हैं,
उससे कोई परवाह नहीं होती है, और मैं कभी इस चीज का ऑब्वियसली रिप्लाई भी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा नमाज पढ़ के निकलाऊं, कोई उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को, तमाम लोगों को हिदायत दे। तो भाई मेरी मैकेनिक से बात हो गई थी और मैकेनिक ने बोला कि आप घर पे आ जाओ ताकि मैं गाड़ी को चेक कर लूँ एक दफा, और फिर मैं इसके जो भी पार्ट्स होंगे वो ऑर्डर कर दूंगा, ताकि वो पार्ट्स आ जाएंगे तो फिर मैं देखता हूँ कि आज लगाना है या कल लगाना है, जो भी होगा। तो कल भी अगर होगा तो जो है वो लगा देगा। वो कह रहा था कि मैं वर्कशॉप खोल के आपके लिए लगवा दूंगा, खासतौर पर बढ़िया है कि गाड़ी आके एक दफा चेक करवा दिया। मैकेनिक ने गाड़ी चेक कर ली है, उसने बता दिया, कन्फर्म कर दिया कि यही प्रॉब्लम है जो आपने बोला है वो 100% सही है, बेयरिंग का ही काम है दोनों के अंदर, तो दोनों के जो व्हील बेयरिंग है वो रिप्लेस होंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो गाड़ी को मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा ना चलाऊँ। तो बस आज के बस जो भी घर देखना है घर देख के उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर इसी के पास कल जो है ना वो लेकर आ जाऊँगा। मैकेनिक के पास चूचू चूचू कर रही है गाड़ी, तो बस ये है गेम। ये सामने मेरे मैकेनिक की शॉप है, शुक्र है गाड़ी खरीदे हुए मुझे ऑलमोस्ट समझ लो 2 साल हो जाएंगे, दिसंबर में मैंने आई थिंक गाड़ी खरीदी थी आई गेस, तो अभी थोड़ा टाइम है वैसे मतलब, मगर ऑलमोस्ट 2 साल मेरे हिसाब से हो ही गए। और जो गाड़ी ने यार मेरा साथ दिया है ना, कई हजार किलोमीटर का, यहाँ से लेके टोरंटो से लेके अल्बर्टा, पहले टोरंटो के अंदर हम लोग काफी घूमे फिरे, नायगरा वायगरा यहाँ वहाँ गए, उसके बाद छोटे मोटे ट्रिप्स करते रहे, और फिर यहाँ से लेके समझ लो कैलगरी, और कैलगरी से में भी हमने काफी ट्रिप्स किए जो बैंफ वगैरह के थे, लेक लुइस वगैरह, यहाँ वहाँ सब हम लोग इसी गाड़ी में गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, कुछ भी नहीं किया गाड़ी ने। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर पुरानी गाड़ी होती है तो आपको पता है कि चीज़ें निकल निकल के आनी शुरू हो ही जाती हैं, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं समझता हूँ कि सही मैकेनिक है, और यहाँ से चीज़ें जो है वो जो सस्ते में हो जाएंगी काम, वो सतबरी में बहुत ज़्यादा महंगे पे होगा। दूसरी बात ये कि सेफ्टी का भी मसला हो जाएगा, अल्लाह ना करे गाड़ी रास्ते में जाते जाते अगर बंद हो गई या फिर कुछ व्हील वगैरह जैम हो गए, कुछ हो गया, पटपट आ गया, तो वो भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, सो विच इज़ नॉट गुड, और फिर गाड़ी को टो करना पड़ेगा, एक लंबी कहानी हो जाएगी, हजारों डॉलर का खर्चा हो जाएगा, तो वो भी चीज़ बेकार होगी, इतनी तो खैर वो भी नहीं है, तो गाड़ी की हजारों डॉलर मतलब है मगर इतना भी नहीं है। खैर एनीवे मैंने सोचा कि आपको बस अपडेट कर देता हूँ कि अगर गाड़ी में छोटे मोटे काम होते हैं तो वो टाइम पे करवा लेना चाहिए, इससे पहले कि वो चीज़ वर्स्ट हो जाए और आगे चल के प्रॉब्लम बने। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो, कमेंट्स के लिए अशरसना vlogs@gmail.com पे जाके कमेंट्स कर सकते हो। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।